हमारे बीच में विराजमान श्रीमती डोली शर्मा जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मीडिया के सामने उनकी अपनी बात रखने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज नए साल में हम आपके बीच हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो आने वाले 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, मणिपुर से मुंबई तक न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी जी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कई हजार किलोमीटर पैदल चलकर देश की आम इंसान के, बुजुर्ग के, महिलाओं के, युवाओं के, छोटे और मध्यम बेरोजगारों के, आत्महत्या करते किसानों के दर्द को सुना और उन्होंने समझा। आपने सबने सुना होगा, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने उस दर्द को समझा जिससे आज जनता बेहाल है, परेशान है। आज बार बार हम हर जगह ये देखते आ रहे हैं कि पिछले 10 साल देश में अन्याय काल रहा है। अन्याय काल, कैसा अन्याय काल, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी क्या क्या अन्याय देश की जनता ने इस 10 साल में सहा है। कौन सी जनता, जिस जनता से कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जिससे कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हर तरीके के जुमले छोड़े गए थे। देश की जनता से कहा गया था 15 लाख आपके खाते में आएंगे, देश की जनता से कहा गया था कि काला धन आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे, सबसे जनधन खाते खुलवा लिए, सबसे ये कहा गया कि जनधन खाते खोल लो, लेकिन वो खाते खुलने के बाद उनके खातों में जो पैसा था मिनिमम बैलेंस के नाम पर काटने लगे, 15 लाख तो किसी को मिला नहीं। आज लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं कि जनता की पीठ पर खंजर चाकू भोंकने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो कैसे किया है मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी कि इन्होंने 10 वर्षों में जो लोकतंत्र को चोट पहुंचाई है, लगातार चुनी हुई सरकारें गिराकर, जहां इनकी सरकारें नहीं बनी वहां जबरदस्ती इन्होंने विधायकों को खरीद खरीद कर, हॉर्स ट्रेडिंग कर होटल में और रिजॉर्ट्स में उनको रखवाकर सरकारें तोड़ी हैं, गिराई हैं और अपनी सरकारें बनाई हैं। मैं आपको बताऊंगी कि देश के युवा ने क्या झेला है पिछले 10 साल में। इन्होंने कहा था युवा बेरोजगार, अब भारत को बेरोजगार बनाओ। कैसे बनाओ, बेरोजगार लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है, 1 करोड़ बेरोजगार 2012 से 4 करोड़ 2022 तक हो गए हैं। बेरोजगारी दर 45 वर्षों में हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आज अगर देश का युवा नौकरी मांगता है तो आप पकौड़े की बात करते हैं, आप अग्निवीर जैसी स्कीम ले आते हैं, और जहां हमारे देश का युवा महीनों महीनों सालों सालों की तैयारी करके देश की आर्मी में भर्ती होना चाहता था, उन्हें भी आपने ठेकेदारी सिस्टम पर ला दिया, 4 साल की नौकरी और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप हमारे युवा को आपने मजबूर किया है। आपने बार बार कहा था महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप मुझे बताइए, पेट्रोल डीजल रसोई गैस आटा दाल चावल चीनी
और रिफाइंड तेल, सरसों का तेल क्या दाम है, दवाइयों का क्या दाम है। पहली बार हमने देखा किसी देश में, पूरे विश्व में, किसी देश में बच्चों की कॉपी पेन किताबों पर भी जीएसटी लगा, छोटे बच्चों के दूध पर जीएसटी लगा, दही पर जीएसटी लगा। ये हमने विश्व में पहली बार देखा है कि किसी देश में ऐसा हुआ। जब कच्चा तेल पूरे विश्व में सस्ता हो रहा है, हिंदुस्तान में कच्चे तेल की कीमतें आप देखिए, उसकी कोई भी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान की जनता को राहत नहीं मिली। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो एक एक चीज का दाम बढ़ता है, एक एक चीज का दाम बढ़ता है, हमारे घर तक बात आती है। आज महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, लोगों के घर चलाने आज मुश्किल हो गए हैं। आज युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आती हूं मैं, अभी एक किसान ने अपने आप को मिट्टी का तेल छिड़क कर वहां के जिला मुख्यालय पर आग लगा ली अपने आप को। क्यों? क्योंकि कर्जा हो गया, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। गरीब किसान, मध्यम वर्ग, छोटे बेरोजगार, युवा सभी परेशान। आज इस सरकार ने देश की जनता को अगर दिया है तो सिर्फ धोखा दिया है, अगर किया है तो उनकी पीठ में खंजर भोंका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने किसानों को धोखा दिया। बहुत जरूरी है पता चलना त्रिपुरा में भी लोगों को कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता के साथ कर क्या रही है। मोदी सरकार के जो तीन काले कानून आए, तीन काले कानूनों के कारण हमारे देश के किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, ठंड में लगातार उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, कीले ठोक दी गई उनके आगे, 750 किसानों की मौत हो गई, शहादत हो गई। लेकिन उसके बाद इस तानाशाह सरकार की नींद नहीं खुली और एक भी सांसद संसद में ऐसा नहीं था जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उनके लिए शोक व्यक्त करना चाहा, 750 किसानों के लिए शोक व्यक्त करना चाहा, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता खड़ा होकर उनके लिए शोक व्यक्त नहीं किया। और तो और किसानों को कहा गया कि हमें तो पता ही नहीं है कितने किसानों की मौत हुई, लगातार उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, न जाने किन किन नामों से बुलाया गया। आज देश में एक नई रीत आ गई है, अगर मुसलमान सवाल उठाए तो पाकिस्तानी, सरदार सवाल उठाए तो खालिस्तानी, किसान सवाल उठाए, युवा सवाल उठाए तो देशद्रोही। आज अगर महिलाओं के साथ अत्याचार की मैं बात करूं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो भी किसी से छुपा नहीं है, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। मैं किसानों का आपको बताना चाहूंगी कि भारत में हर घंटे कम से कम एक किसान आत्महत्या से मरता है हिंदुस्तान में। आज ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये राहुल गांधी जी नहीं कह रहे हैं, ये खड़गे जी नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है 2022 का, कि भारत में, हिंदुस्तान में हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है। देखिए आज किसानों का क्या हाल। इसी तरह कमजोर वर्ग, जो देश का कमजोर वर्ग है, उसको और कमजोर किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? जब देश की कुल संपत्ति चंद लोगों के हाथ में सौंपी जा रही है, जो गरीब और मध्यम वर्ग और पिछड़े परिवार हैं, उनको और गरीब बनाया जा रहा है। कैसे बन रहे हैं? बेरोजगारी से, महंगाई से, इनकम ना बढ़ने से। लगातार आप देखिए, 2013 के बाद दलितों के खिलाफ
जो अपराध में 46.11% की वृद्धि हुई, ये एनसीआरबी का डेटा है। 2013 के बाद आदिवासियों की, त्रिपुरा में काफी आदिवासी बेल्ट है और मैं बताना चाहूंगी त्रिपुरा के एक एक आदिपत्ति अपने कुछ चंद उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं, देश की जनता के हाथ में ये कटोरा देना चाहते हैं ताकि गरीब और गरीब हो और इनके पीछे गरीब भागता रहे, इनके हिंदू मुस्लिम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत है जहां देश की जनता को आप 5 किलो चीनी, 5 किलो चावल आटा देकर आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? आप युवा को रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? आप युवा को शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि आप लगातार अपने उद्योगपति दोस्तों को मजबूत करना चाहते हैं, देश की जनता, देश के युवा, देश के किसान, देश की महिलाएं और देश के बच्चों को मजबूत नहीं करना चाहते आप। गुजरात की बिल्किस बानो के अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंचों पर हार पहनाकर बिठाया, उन्हें सुसज्जित किया। ब्रिजभूषण सरन सिंह, हमारे देश की महिला पहलवान, पदक लाने वाली वो बेटियां जिन्होंने देश का विश्व में नाम किया, विश्व पटल में नाम किया, तमके लेकर आई। और जब तमके लेकर वो नेता जो एक हथनी के मरने पर तो रोती है, संसद में चीखती है, लेकिन देश की बेटियों के साथ जब अत्याचार और बलात्कार होता है तो दूर दूर तक देखने नहीं मिलती। स्मृति ईरानी अपनी बेटी के बार की बात आती है तो बोलती है, लेकिन देश की बेटियों की जब बात आती है तो नहीं बोलती। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के 3 आईटी सेल के पदाधिकारी, मैं वाराणसी का क्यों संज्ञान लाई, क्योंकि वाराणसी बनारस से हमारे देश के प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधि है और जब जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री जी हर किसी की जवाबदेही, क्षेत्र के 3 पदाधिकारी जिन्होंने बेटियों के साथ, बेटी के साथ बीएचयू आईटी की छात्रा के साथ बलात्कार किया, उसके एफआईआर होने के बाद भी 60 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया, बचाया और उन्हें मध्य प्रदेश चुनाव में ड्यूटी पर भेज दिया गया। ये बेटी बचाओ है या बलात्कारी बचाओ है, आप मुझे बताइए। ब्रिजभूषण सरन सिंह को बचाना बेटी बचाओ है या बलात्कारी बचाओ है, मुझे बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर को बचाना बेटी बचाओ है या बलात्कारी बचाओ है, बताना, आप मुझे बताइए। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्र के द्वारा प्रताड़ित की गई, बलात्कार कर दिया गया, हत्या कर दी गई, ये बेटी बचाओ है या बलात्कारी बचाओ है, आप मुझे बताइए। कथनी और करनी के फर्क सामने पता चलते हैं। आज एनसीआरबी से पता चलता है कि महिलाओं के अपराध में सबसे अधिक 2022 में हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज होते हैं, हर घंटे। उत्तर प्रदेश से आती हूं, आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है, आज अपराध में नंबर 1 पर है। एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का ऑनलाइन डेटा है, 26,000 के करीब केसेस में से आधे से ज्यादा केस, 16,168 केस मात्र उत्तर प्रदेश से। आपके बगल में मणिपुर है, मणिपुर में किस तरीके से बेटियों को नंगा करके घुमाया गया सड़कों पर, आप मुझे बताइए। ये बेटी बचाओ था या बलात्कारी बचाओ था? कहां गई थी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में जब उस बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, सड़कों पर घुमाया गया? और सिर्फ वो एक बेटी नहीं थी मणिपुर की, यहां नॉर्थ ईस्ट में बैठी हूं, वो एक बेटी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो मात्र एक केस है, ऐसे सैकड़ों केस मणिपुर में हुए हैं। सोचिए उन सैकड़ों बेटियों की व्यथा, वहीं पर जहां उस बेटी को इस तरीके से घुमाया गया, उससे कुछ ही दूरी पर एक बेटी को और जलाया गया, वहीं उसके घर में ले जाकर, कार वॉश में काम करती थी वो लड़कियां, उन्हें वहां से उठाया गया, उन्हें जलाया गया। बताइए कितनी एफआईआर, वहां भी किसी ने कोई अरेस्टिंग, कोई जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ कुछ नहीं किया। क्या ये देश की जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान की बेटियों के साथ अन्याय नहीं है? आप मुझे बताइए।
ये बेटी बचाओ नहीं बलात्कारी बचाओ पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारी संस्कारी हो गए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देती है। किसानों के हत्यारे सिर्फ बेटी के बलात्कार करने वालों को नहीं, उत्तर प्रदेश के सांसद, उत्तर प्रदेश के सांसद, देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे मोनू मिश्रा ने देश के किसानों को जब कुचला रोंडा जीप से, पूरे देश ने वो वीडियो खुले तौर पर देखी। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बचाया या उस हत्यारों को बचाया? भारतीय जनता पार्टी की पुलिस उस हत्यारे को चाय पिला रही थी। ये किसान बचाओ था या हत्यारा बचाओ था, ये सत्य है, ये सच है जो मैं आपके बीच में रख रही हूं। इसलिए आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जरूरत है। इसलिए आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यह तय किया कि आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ राहुल गांधी जी के नहीं है, ये मुद्दे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये मुद्दे देश की जनता के हैं और हर घर के हैं। हर किसी के घर में बेटियां हैं, हर किसी के घर में बहनें हैं, हर किसी का घर किसान से, हम सब अनाज, हम रोटी तब खा पाते हैं जब हमारे देश का किसान दिन रात गर्मी सर्दी ना देखते हुए दिन रात हमारे लिए अपने खेतों में मेहनत करता है। ये रोटी, ये निवाला हमारे मुंह में तब जाता है। तो सिर्फ किसान का जीवन नहीं जुड़ा हुआ है खेती से, किसानी से, हर किसी का जीवन, आपका, हमारा, हर एक घर का जीवन किसानों से जुड़ा है। हर किसी के घर में आज बेरोजगार युवा जरूर देखने को मिलता होगा। आज पढ़ लिख कर जब युवा माँ बाप कर्ज लेकर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद उस नौजवान युवा को नौकरी ना मिलकर आत्महत्या करनी पड़ती है, पेपर लीक होते हैं, बार बार पेपर पोस्टपोन होते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, भर्ती घोटाले होते हैं, तो युवा आत्महत्या करता है। और ऐसा युवा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नहीं है, हर घर में आज ऐसा युवा बेरोजगार आप पाओगे। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हर उस बेरोजगार युवा को न्याय दिलाने की लड़ाई है जो हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जिस समय देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो किसी उस शहीद देश के लिए स्वतंत्रता में अपनी आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानी ने नहीं सोचा था कि हमें आज आजादी मिलेगी। लगातार उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते न जाने कितने हमारे ऐसे वीर सपूतों की बलिदानी हुई, तब जाकर ये आजादी मिली। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनका कोई रोल नहीं था इस आजादी की लड़ाई में। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि राजनीतिक नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये देश के युवा की लड़ाई है, ये देश की महिलाओं की लड़ाई है, ये देश के किसानों की लड़ाई है, ये देश के हर छोटे और मध्यम व्यापारी की लड़ाई है, आज जिनके व्यापार ठप हो गए। मैं आपका ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य और कोविड 19 में जो कुप्रबंधन किया गया अब उस पर ले जाना चाहती हूं। मुझे बताइए, जो कोविड काल आया हमारे देश में, क्या आपने नहीं देखा ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोग? क्या आपने नहीं देखा बेड की कमी से मरते हुए लोग? क्या आपने नहीं देखी देश में गंगा में बहती लाशें? क्या आपने नहीं देखी शमशान घाटों पर लगी लाइनें? टोकन बट रहे थे शमशान घाट पर, कुत्ते लाशें खा रहे थे शमशान घाटों पर। यह पहली बार देश के इतिहास में देखा गया। और अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो अनियोजित अनप्लैंड लॉकडाउन
लगाने के कारण 4 करोड़ गरीब प्रवासियों को पैदल चलना पड़ा। सड़कों पर आपने देखा हजारों किलोमीटर मजदूर केरल से असम पहुंच रहे थे। मेरे पास खुद फोन आए कि हम केरल से असम जाना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, चौकीदार अपने महल में बैठे थे, लेकिन देश की जनता सड़कों पर पैदल तड़प रही थी, भटक रही थी, आत्महत्या कर रही थी और मर रही थी चलते चलते, खाना ना मिलने से, दवाइयां ना मिलने से, इंजेक्शन ना मिलने से, घर तक सही सलामत ना पहुंचने से। विनाशकारी डेल्टा लहर में परिवारों को तोड़ दिया। मैंने आपसे कहा गंगा में शव तैरे। WHO का अनुमान है कि 47 लाख लोग मारे गए, जो सरकारी आंकड़ों से 10 गुना अधिक थे। विश्व में, मैंने कहा विश्व की बात मैं करूंगी, पूरे विश्व में 3 में से 1 व्यक्ति भारत में मारा गया। अगर पूरे विश्व में 3 व्यक्ति मरे तो उनमें से 1 व्यक्ति भारत का था। ये दिया इन्होंने भारत को कोरोना काल में, कोविड काल में। अब मैं आपसे बात करूंगी MSME और GST, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर आपने सबने देखा हो, अब कहां है वो मेक इन इंडिया का बब्बर शेर, कहां गायब हो गया? शेर कौन से गुफा में दुबक गया, कौन सी गुफा में अब शेर चला गया, मैं पूछना चाहती हूं। हमने अब मेक इन इंडिया का वो बब्बर शेर कहीं दिखाई नहीं देता। आज तो इंडिया के नाम से नफरत हो गई है इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को। ये अपने मुंह से इंडिया नहीं कहना चाहते आज, और तब कहते थे मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करती हूं, मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 2014 से गिरकर 2022 में 13% के सार्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई। 13% तक मैन्युफैक्चरिंग गिरी है 2014 के मुकाबले अब 2022 में। उद्योग बंद हो रहे हैं, छोटे और मध्यम व्यापारी आज परेशान हैं, उन्हें अपनी छोटे व्यापार उद्योग बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो मोदी जी के दोस्त बनाएंगे। पेट्रोल मोदी जी के दोस्त बेचेंगे, जूता मोदी जी के दोस्त बेचेंगे, चावल मोदी जी के दोस्त बेचेंगे, तेल मोदी जी के दोस्त बेचेंगे, सब्जी फल मोदी जी के दोस्त बेचेंगे, आप समझ जाइए के दोस्त बेचेंगे, एयरपोर्ट मोदी जी के दोस्त चलाएंगे, संपत्तियां रेलवे मोदी जी के दोस्त चलाएंगे, सभी चीज मोदी जी के दोस्त चलाएंगे। आपके बच्चों की जेब में क्या जा रहा है, आपके बच्चों का क्या भविष्य है? मैं त्रिपुरा की जनता से पूछना चाहती हूं, जरा गौर से सोचिएगा, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, आपके आने वाली नस्लें क्या करेंगी? हम चीन से करके मोबाइल फोन असेंबल कर रहे हैं और हमारे देश में दावा किया जा रहा है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। फिर देश की जनता की पीठ में खंजर भोंका। बताइए क्या ये मेक इन इंडिया है, ये मेक इन इंडिया है या चीन को मजबूत करना है, आप मुझे बताइए। गलत योजना वाले GST और नोटबंदी के बाद MSME पर ऊंची लागत बोझ बढ़ा है और MSME देश की रीढ़ मानी जाती। सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं मिलता है युवा को तो MSME से मिलता है, मध्यम और छोटे उद्योगों से मिलता है। आज MSME की हालत देखिए, बंद हो गए हैं वो उद्योग। मैंने कहा ना, अभी कहा, सब कुछ तो मोदी जी के दोस्त बेचेंगे। गरीब परिवार, असमानता, पूंजीपतियों की सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र, सभी जिस तरीके से उनकी ठेकेदारी की जा रही है। और तो और, हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीलंका में अड़ानी बिजली बेचे, उसकी भी ठेकेदारी करने लगे। हिंदुस्तान का बच्चा क्या बेचे, हिंदुस्तान का बच्चा क्या पढ़े, हिंदुस्तान का किसान क्या करे, हिंदुस्तान की महिलाएं कैसे सुरक्षित हो, वहां ध्यान नहीं है। लेकिन अड़ानी को श्रीलंका की बिजली मिल जानी चाहिए, ये ध्यान है मोदी जी का। PM ने बंदरगाहों से लेकर, मैंने कहा हवाई अड्डे, रेलवे,
सारी चीजें अपने उद्योगपति दोस्तों को पहुंचा दी और लूट में। मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगी, पीएम मोदी ने बिजली के लिए जो उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क लेने और सेबी की नजर में अपने स्टॉक की कीमतें बढ़ाने के लिए इस चुराए गए पैसे का उपयोग करने के लिए अनुमति देकर अडानी को भारत की लूट में मदद की है, जो कम से कम 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। 32,000 करोड़ का घोटाला। भारत में सबसे अमीर 1% के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचली आधी आबादी के पास कुल मिलाकर 3% हिस्सा है। और ये 3% आबादी सबसे ज्यादा GST पे करती है, सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, और जिसके पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है, बताइए वो कितना टैक्स पे करते हैं। पूछिए किसी दिन भाजपा के किसी नेता से कि आपके उद्योगपति दोस्त जिन्हें आप रोज मजबूत कर रहे हैं कितना टैक्स पे कर रहे हैं। चीन की अग्रवीर और आतंकवाद, मोदी जी ने कहा यही आपके इधर चीन के बॉर्डर चारों तरफ हमारे देश को हर स्टेट से टच करते हैं, चाहे कश्मीर से हो, उत्तराखंड से हो, आपके आसपास हो, हर जगह चीन के बॉर्डर टच कर रहे हैं। आप मुझे बताइए मोदी जी ने क्या कहा था, ना कोई आया ना कोई घुसा। अगर कोई आया नहीं कोई घुसा नहीं तो मुझे बताइए कि हमारे देश में कि कैसे वो वीडियो वायरल हुए जो बॉर्डर पर हमारे किसान हमारे जवान चीनी सेना से लड़ते पाए गए गलवान में। आप मुझे बताइए जो हमारे जवानों की शहादत हुई वो कैसे हुई। आपने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या कश्मीर में अभी हमें सुनाई नहीं देती हत्याएं की खबरें कि हमारे जवान शहीद हो गए। रोज नई खबरें आती हैं, रोज टेलीविजन पर प्रसारित होती कि वहां कर्नल की हत्या कर दी आतंकवादियों ने, हमारे जवान शहीद हो गए, वहां उनको मार दिया गया गोली से, वहां ये रोज ये खबरें आती हैं। बताइए नोटबंदी के बाद कितना आतंकवाद रुका। क्या ये देश की जनता से झूठ बोलना नहीं है, क्या ये देश की जनता को धोखा देना नहीं है, क्या उनकी पीठ में खंजर भोंकना नहीं है। अब मैं लोकतंत्र की हत्या की बात करती हूं, यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक गांव के घर पहुंच जाते हैं, सभी उन लोगों के घर पहुंच जाते हैं जब सरकारें गिरानी होती हैं, जब किसी नेता को ब्लैकमेल करना होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट बन चुका है जो आज इंडिपेंडेंट देश का पिलर नहीं, सत्य जानने की संस्था नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की एक कठपुतली बनकर रह गया है। भारतीय जनता पार्टी कह देती है महाराष्ट्र जाओ सरकार गिरानी है, अब मणिपुर जाओ सरकार गिरानी है, मध्य प्रदेश बार बार प्रताड़ित करना नहीं है, क्या ये देश की जनता के साथ अन्याय नहीं है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आप मुझे बताइए, भारत के चुनाव आयोग को दंतहीन बना दिया है, आज भारत का चुनाव आयोग मौन हो गया है। अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है तो विपक्षी नेताओं पर तो कार्रवाई करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल कुछ भी बयानबाजी करें वहां चुनाव आयोग नहीं जाता। आप देखिए कितने भी उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के नेता कर दें, लेकिन चुनाव आयोग उन पर नकेल नहीं कसता। लगातार सभी विपक्षी सांसद जिस तरीके से संसद से जब भी कोई बिल पास होने वाला होता है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। किसानों के काले कानून लाए, विपक्षियों की इन्हें जरूरत ही नहीं महसूस हुई, संसद से बाहर करो। अभी एक नया टेलीकॉम कानून ला रहे हैं कि जिसके बनस्पत किसी के भी मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इन्हें आपसे परमिशन की जरूरत नहीं है। विपक्ष ने ऑब्जेक्शन किया, उनकी जरूरत ही नहीं है इन्हें, बाहर जाओ संसद से। देश में
कोरोना काल में भी दिन रात हमारे घर तक दवाई, अनाज, रोटी, दूध, दही, सारी खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले वो ट्रक ड्राइवर जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार अपने परिवार को कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों की जान बचाने के लिए चीजों की दिन रात सप्लाई करके ट्रक चला चला के देश के हर कोने कोने पहुंचा रहे थे, उनके लिए भी काला कानून लाए। वो गरीब ड्राइवर जो 10 से 12 हजार की सैलरी कमाता है उस पर 10 लाख का बोझ, 7 लाख का बोझ, 10 लाख की 10 साल की सजा, ये कहां का लोकतंत्र है भैया? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये ड्राइवर अगर एक दिन गाड़ी ना पहुंचाए तो देश के किसी कोने में खाद्य सामग्रियां नहीं पहुंचेंगी, हम रोटी नहीं खा पाएंगे। एक एक चीज में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये काले कानून लाने का काम कर रही है और सीधा का सीधा विपक्षी नेताओं को संसद से बाहर 150 से ज्यादा, आप देखिए सांसद सस्पेंड कर दिए गए, कहा गया कि जाइए आप बाहर, आपकी जरूरत नहीं है। क्या ये तानाशाही नहीं है? देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति आज लोकतंत्र नहीं फरमान सुनाता है, लोकतंत्र नहीं चलाता फरमान सुनाता है। वो फरमान कभी देश के किसानों के लिए आ जाता है, कभी देश की जनता के लिए आ जाता है, नोटबंदी कर रहे हैं हम, वो फरमान रात को 12 बजे उस तानाशाह ने सबसे ऊंची गद्दी से सुना दिया और लगा दिया देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाइनों में। लाइनों में मरा कौन? आम जनता, आप और हमारे परिवार। डंडे किसने खाए उन लाइनों में लगे हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खाए? किसने खाए? वो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हार्ट अटैक से मर गए दिन रात। लाइनों में लगे गरीब मजदूर, छोटे मध्यम परिवार, उनके लोग मर गए। लेकिन तानाशाह न किसानों के लिए जागा, न युवाओं के लिए जागा, न महिलाओं के लिए जागा, न छोटे और मध्यम व्यापारी के लिए जागा। तानाशाह अपने सबसे ऊंची गद्दी पर बैठकर बस फरमान पर फरमान सुनाता गया। इसीलिए आने वाली 14 तारीख से मैंने कहा ना आपको कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक? न्याय का हक मिलने तक। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से 66 दिन 6713 किलोमीटर 20 मार्च तक मुंबई में 110 जिले और 15 राज्य कवर करते हुए यात्रा करेंगे। लगातार जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में किया, देश के गरीब किसान से, मजदूर से, महिलाओं से, मध्यम वर्ग, बंगाल 523 किलोमीटर 5 दिन 7 जिला, बिहार 425 किलोमीटर 4 दिन 7 जिला, झारखंड 804 8 दिन 13 जिला, उड़ीसा 341 4 दिन 4 जिला, छत्तीसगढ़ 536 किलोमीटर 5 दिन 7 जिला, उत्तर प्रदेश 1074 किलोमीटर 11 दिन 20 जिला, मध्य प्रदेश 698 किलोमीटर 7 दिन 9 जिले, राजस्थान 128 किलोमीटर 1 दिन 2 जिले, गुजरात 445 किलोमीटर 5 दिन 7 जिले, महाराष्ट्र 489 किलोमीटर 5 दिन 6 जिले, ये यात्रा कवर करने जा रही है। जहां जिस तरीके से पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने किया, इस बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री तो देश के गरीब किसान से नहीं मिलते, युवा से नहीं मिलते, महिलाओं से नहीं मिलते, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जैसे सबसे पहले मणिपुर पहुंचे जब मणिपुर की बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, इसी तरह सत्ता हो या ना हो, उन्होंने कहा है ये देश मेरा है
और इस देश को न्याय दिलाने की लड़ाई मैं लगातार लड़ता रहूंगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि यात्रा का हिस्सा कोई भी बन सकता है, और यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले के साथ चलने के लिए एक वेबसाइट जारी की है, bharatjodonyayyatra.com। इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक नंबर जारी किया गया है 9891802024। इस पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यात्रा कवर की जाएगी। आप उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यात्रा को पूरा देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल्स भारत जोड़ो यात्रा, और इनको आप कवर कर सकते हैं यात्रा को डिटेल में देखने के लिए। और मैं त्रिपुरा की जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार देख रहे हैं कि त्रिपुरा किस तरीके से बेरोजगारी से बेहाल है। अभी मैं रास्ते में थी, मैं चर्चा करते हुए आ रही थी तो मुझे पता लगा कि दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से घर परिवारों की महंगाई तो बढ़ी लेकिन इनकम ना बढ़ने के कारण इस बार दुर्गा पूजा पर भी असर पड़ा। लोग खरीदारी नहीं कर पाए, अपने त्यौहार को जिस तरीके से मनाते थे नहीं मना पाए। आज परेशान है त्रिपुरा का युवा, त्रिपुरा की महिलाएं, त्रिपुरा के परिवार, मध्यम और छोटे व्यापारी। तो मैं त्रिपुरा की जनता से भी ये अपील करना चाहूंगी कि ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर एक किसान की, युवा की, महिलाओं की, छोटे और मध्यम व्यापारी की, हर वर्ग की, हर जात की, हर किसी की है। इसमें मुझे लगता है भागीदारी देना, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के हर आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। It is 6,730 kilometers. 6713. 66 days. From 14th January, from Manipur to 20th March, Mumbai tak, which will cover 110 districts, 15 states. और कोई सवाल? मैडम आपने जो था विश्व के बारे में, विश्व के बारे में मैं बोल रहा हूँ, किसी भी प्रोग्राम में बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, सब मंत्री बन रहे हैं, वो लोग एक बात ही बोलते हैं कि मोदी जी को विश्व के स्थान पर बिठा जाए, उसके बारे में आपको क्या? अगर इतना इलीगल है उनके बारे में तो विश्व के स्थान में उनको क्यों बिठाया जाए? देखिए, कौन से विश्व गुरु? देश के युवा को 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाले विश्व गुरु, बेटी बचाओ की जगह बलात्कारी बचाओ बनाने वाले विश्व गुरु, किसान को आत्महत्या पे मजबूर करने वाले विश्व गुरु, देश के छोटे और मध्यम व्यापार को अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए बंद करवा देने वाले विश्व गुरु, कौन से विश्व गुरु? कौन से विश्व गुरु? ये भारतीय जनता पार्टी के सेल्फ अक्लेम्ड विश्व गुरु हैं। हिंदुस्तान की जनता और पूरा विश्व जानता है मोदी जी ने देश की जनता को सिर्फ बेरोजगारी दी है। बेटियों की आबरू आपके बगल के राज्य मणिपुर में जिस तरीके से तार तार की गई, कहां गए थे विश्व गुरु? मैं पूछना चाहती हूं आपसे सवाल, आप बताइए मुझे कहां थे विश्व गुरु? क्या मणिपुर की बेटियों के आंसू पोंछे उन्हीं विश्व गुरु ने? क्या एक मां जिसका बेटा बगल में, छोटा सा बेटा बगल में एक लाश के रूप में पड़ा था और मां रोती रही कि मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा था, उस मां से उसका बच्चा छीनने वाले विश्व गुरु? क्या 80-84 दिन बाद इतनी सारी लाशें मणिपुर में जलवा देने वाले विश्व गुरु? ये विश्व गुरु है हिंदुस्तान के इतिहास में
कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा गया जिसने हमारे देश के हर वर्ग को प्रताड़ित करने के अलावा कुछ नहीं दिया।